स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 5.3। हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हो चुके हैं, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि डी इज इक्वल टू जो 8/9 था हमारा, 8/9 कौन सी फॉर्म है, तो वो इम्प्रॉपर फॉर्म है। साक्षी ने उसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट टूडे सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम है किसका फर्स्ट 7 टर्म्स का ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि क्या गिवन है, S7 इज इक्वल टू 49। S7 का मतलब क्या है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6 प्लस S7, जो ये फर्स्ट सेवन टर्म्स है उनका सम है ये SN, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और सम ऑफ 17 टर्म्स का सम कितना है, 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करना है। देखो क्या गिवन है, उसकी हेल्प से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। S7 इज इक्वल टू 49, Sn का फॉर्मूला वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। S7 दे रखा है तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 7। S7 इज इक्वल टू 7 बाय 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इनटू d। 7 बाय 2 इनटू 2a, 7 माइनस 1 इज 60। S7 की वैल्यू कितनी, 49। 7 बाय 2 2a प्लस 60। अब देखो इन दोनों में से ब्रैकेट में से क्या कॉमन ले लिया, 2। अगर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया, 2 सॉरी a, और यहाँ क्या रह गया, 3d। देखो 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं वही बनता है 2a प्लस 6d। तो अगर 2 बाहर कॉमन ले लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना रह गया, 49 इज इक्वल टू 7a प्लस 3d। अब 7 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में था तो हम क्या करेंगे, वो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 49। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन जनरेट हो गई, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें इज इक्वल टू आ रहा है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 लिखो या 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d लिखो, बात एक ही है। और हमें क्या गिवन था, S17, जो सम ऑफ 17 टर्म्स थी वो 289 गिवन थी। तो Sn के फॉर्मूले में n की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे, 17 बाय 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू 289। 17 बाय 2 2a, 17 माइनस 1 दैट इज 16d इज इक्वल टू 289। अब क्या करेंगे, 17 बाय 2 है, क्या किया, जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चलेगी, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ गया। 17 × 17 = 17, और जो हमारे पास ये रिमेनिंग रह गया वो 17 के टेबल में आ जाएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। आपको 30 तक के तो स्क्वायर्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, 17 × 17 = 289 होता है। कितना रह गया, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 × 34। आप ऐसे भी कर सकते हो, 17 बाय 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16d आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू 289 बाय 17, 17 × 17 = 17, 17 × 17 = 289। बात वही है, कितना आएगा, इक्वेशन क्या आएगी, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दोनों इक्वेशन को हम बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं, हाउ टू सॉल्व द टू इक्वेशंस, कैसे करेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे वाले जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, नीचे वाली लाइन के क्या हो गया, इसमें प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, 3d प्लस का 8d माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन किसका, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर क्या है 8, 8 के आगे क्या साइन है, नेगेटिव, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, माइनस 5d, 8d माइनस 3d इज माइनस 5d, 7 प्लस का 17 माइनस का प्लस माइनस माइनस, 17 माइनस 7 इज 10, प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन साइन किसका, 17 का, बिकॉज 17 इज ग्रेटर देन 7 एंड द साइन ऑफ 17 इज नेगेटिव, तो क्या आ गया, 10 के आगे माइनस साइन आ गया, माइनस है माइनस कैंसिल आउट, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5d के साथ मल्टीप्लाई में है तो सट जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यस, तो 5 × 5 = 10, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2।
अब अगर एक की वैल्यू आ जाती है, कोई भी हमारे पास जो दो इक्वेशन होती है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी गेट दी अनदर वैल्यू, क्या आ जाएगी हमारे पास ए की वैल्यू। मैंने क्या किया, डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ए प्लस 3 × 2 इज इक्वल टू 7, 3 × 2 = 6, 6 प्लस का है, ए की वैल्यू निकाल लिया तो 6 राइट साइड पे जाएगा ना, और जो प्लस का होता है राइट साइड पे जाएगा तो किसका हो जाता है, माइनस का, तो ए इज इक्वल टू 7 माइनस 6 कितना आ गया 1, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, क्या निकालना है एस एन फाइंड आउट करना था, तो एस एन का फॉर्मूला एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन तो उसने कहा एस एन निकालो, सम ऑफ एन टर्म्स निकालो, उसने एन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी, तो हम क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू पुट करेंगे, एन बाय टू, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 1 2, एन माइनस 1 इंटू 2, 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर, वो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 एन माइनस 2, ये 2 प्लस का, ये 2 माइनस का, कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया एन बाय टू इंटू 2 एन, अब इनके बीच में प्लस का साइन खत्म हो गया क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गए, ब्रैकेट ही तो बचेगा बस, अरे भाई ये रहेगा ना एन बाय टू और ब्रैकेट में 2 एन, तो ये तो मल्टीप्लाई है, ये तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो एन को एन से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया एन स्क्वेयर, एन को एन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एन स्क्वेयर, लेकिन अगर एन प्लस एन होता तो 2n होता है, प्लस होता तो 2n होता, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया एन स्क्वेयर, हेंस द रिक्वायर्ड सम, जो हमें सम निकालना था sn निकालना था, कितना आया आंसर एन स्क्वेयर आया। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 अप टू सो ऑन an फॉर्म एन ap, हमें शो करना है ये ap फॉर्म करता है, ap कैसे, कोई हमारे पास टर्म्स दी होती है, सीक्वेंस दी होती है या सीरीज दी होती है, वो एपी कब बनता है, जब उसमें क्या होता है कॉमन डिफरेंस सेम आता है तभी एपी होता है, वेयर ए एन इज डिफाइंड एज, ए एन कैसे दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n, सेकेंड पार्ट में ए एन दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू 9 - 5n, मैं आपको एक पार्ट करवा देती हूँ, सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, वो आप खुद से ट्राई करना और कमेंट करना कि आपसे वो हो पाया या नहीं हुआ। Also find the sum of the first 15 terms in each case. और क्या निकालना है, पहले हमें ये बताकर कि एपी बन रहे हैं कि नहीं बन रहा, लास्ट में क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, इट मींस एस 15 निकालना है, एस एन के फॉर्मूले में एन की वैल्यू क्या पुट करनी है 15, ए एन इज इक्वल टू, ए एन तो गिवन था, ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n, अगर आप कंटिन्यूसली डेली रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो तो अब तक तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझना आ गया होगा और क्या गिवन है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कहां से सॉल्व करना स्टार्ट करना है, इजी लगने लग गया होगा। ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n, एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, ए एन बनाएंगे ना, पूरी की पूरी सीरीज बनाएंगे, ए वन पुट किया, जब यहाँ एन की वैल्यू ए वन पुट की तो एन की वैल्यू यहाँ ए वन पुट करेंगे 3 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, पहले क्या होता है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, तो पहले एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो 4 × 1 = 4 + 3 कितना हो गया 7, ए टू इज इक्वल टू 3 + 4 × 2, 4 × 2 = 8 और 3 = 11, ए थ्री की वैल्यू 3 पुट की 15 आ गई, अब हमारे पास ए वन आ गया, ए टू आ गया, ए थ्री आ गया, A4, A5, आप जितनी मर्जी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n, तो d1 फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलता, कॉमन डिफरेंस, या तो a2 माइनस a1 निकाल लो या a3 माइनस a2 निकाल लो, तो d1 निकाल लिया, a2 माइनस a1 4 आ गया, d2 निकाला a3 माइनस a2, ये हम दो दो कॉमन डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, दो तीन निकाल के देख लेते हैं तभी तो पता लगेगा, अगर हर बार डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस निकाला है वो सेम आ रहा है तो इट मींस ये ap है, d2 निकाला तो कितना आ गया a3 माइनस a2 कितना आ गया ये भी 4, तो 4 4 कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, तो ये क्या बन गई ap बन गई, ap बन गई, अब क्या निकालना है 15 टर्म्स का सम, वी नो दैट द sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 15, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 7, d की वैल्यू कितनी आई है 4, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 525, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यस क्वेश्चन बोलता है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, इफ द सम ऑफ द, जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करना और मैसेज करना कमेंट करना वो हो गया या नहीं हुआ आपसे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, क्या कह रहे हैं आप, पता क्या करते हो आप सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हो और फिर आपको पता ही नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना, एक एक लाइन पढ़ो,
इंटरप्रेट करने की कोशिश करो, वो नोट डाउन कर लो. इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, अगर सम है फर्स्ट एन टर्म्स का कितना ऑफ एन एपी, किसी एपी का इज 4n-n² यानी कि sn कितना गिवन है 4n-n² इस लाइन से हमें ये पता लग गया sn की वैल्यू. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, फर्स्ट टर्म क्या होगी s1. इसने फर्स्ट टर्म क्यों बोला, इसने ये क्यों नहीं बोला सम ऑफ द, मतलब जैसे अगर टू टर्म्स का निकालना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, इसने फर्स्ट टर्म बोला, इसने यहाँ सम नहीं बोला. क्यों? क्योंकि देखो एपी है a1 a2 a3 a4 अप टू सो ऑन, जितनी मर्जी टर्म्स है, जो s1 होता है ना वो a1 के इक्वल ही होता है क्योंकि ये एक ही टर्म है, इसका किसके साथ सम करेंगे, ये तो अकेला खुद का ही जो s1 है, अगर एक टर्म्स का सम है तो ये फर्स्ट वाला यही होगा नंबर, जिसको हम a भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं. अगर हम s2 की बात करते हैं तो इसका मतलब ये दो टर्म्स का सम है, a1 का और a2 का. अगर हम s3 बोलते हैं तो इसका मतलब ये तीन टर्म्स का सम है, a1 प्लस a2 प्लस a3. इज इट क्लियर? तो जो s1 है वो फर्स्ट टर्म के ही इक्वल होता है. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बोल लो या s1 बोल लो. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, s2 निकालना है. व्हाट इज द सेकंड टर्म, डिफरेंस देखो, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इट मींस s2 निकालना है. व्हाट इज द सेकंड टर्म यानी कि a2 निकालना है. सेकंड टर्म क्या हो गई a2. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म a3 निकालना है, और क्या निकालना है टेंथ टर्म एंड दी nth टर्म्स, और क्या निकालना है टेंथ टर्म निकालनी है और nth टर्म्स निकालनी है, और क्या निकालना है इनका सम निकालना है कि नहीं निकालना. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम निकालना है. इजी है बिल्कुल. देखो क्या गिवन था, sn इज इक्वल टू 4n-n² इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. अब हमारे पास एपी तो है नहीं, तो एन की वैल्यू 1 पुट कर दे इन इक्वेशन नंबर 1, s1 की वैल्यू आ जाएगी. एन की वैल्यू 1 पुट की, s1 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व किया 3. s1 की वैल्यू a1 के ही इक्वल होती है, और a1 को हम फर्स्ट टर्म को, सॉरी फर्स्ट टर्म को क्या लेते हैं, a ही तो लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, जितनी s1 की वैल्यू आई. अभी अभी यहां एक्सप्लेन किया था s1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3. अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दे, s2 की वैल्यू आ जाएगी. s2 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू कैसी आएगी, देखो मैं कह रही हूं s2 जो अभी अभी यहां का था वो a1 प्लस a2 होता है, यस. तो अगर मैं यहां से s2 माइनस a1, a1 इस साइड ले आगी तो a2 आएगा. a2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, s2 माइनस a1, क्यों, क्योंकि s2 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स होता है, तो a1 को इस साइड ले आई, नेगेटिव हो गया, s2 यही हो गया ना, s2 माइनस a1 को क्या मैं s1 रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ, a1 को s1 मान सकती हूँ ना, इज इक्वल टू a2, यानी कि a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, s2 माइनस s1, s2 कितना आया 4, s1 कितना आया 3, कितना हो गया 1. थोड़ा सा घुमा फिरा के है इसका सॉल्यूशन, लेकिन इजी है, कंसेप्ट क्लियर करने की ट्राई किया करो. n की वैल्यू 3 पुट की, अगर n की वैल्यू 3 पुट की, इक्वेशन नंबर 1 में s3 आ जाएगा, s3 आ जाएगा तो a3 कैसे निकलेगा, s3 माइनस s2, कैसे, s3 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3. a1 प्लस a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 को क्या लिख सकते हैं, s2 प्लस a3. s2 को यहां ले आओ, माइनस का हो जाएगा a3, तो a3 किसके इक्वल आ गया, s3, गलत लिख दिया ना, s3 माइनस s2, यही तो लिखा हुआ है, a3 इज इक्वल टू s3 माइनस s2. s3 की वैल्यू पुट की, s2 की वैल्यू पुट की, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन ग्रेटर नंबर का ग्रेटर इज 4, और कितना आ गया -1. a3 की वैल्यू आ गई. क्या पूछा था उसने, फाइंड द थर्ड टर्म, फाइंड द सेकंड टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स, इतना आ गया. अब उसने बोला टेंथ टर्म निकालो, टेंथ टर्म यानी कि a10 निकालना पड़ेगा. a10 कैसे निकालेंगे, अब यहां हम देख रहे हैं, अगर a3 निकाला था s3 माइनस s2 किया, a2 निकाला था s2 माइनस s1 किया, अगर a10 निकालो तो क्या करना पड़ेगा,
S10 माइनस S9 करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना, क्योंकि Sn की इक्वेशन दे रखी है भाई हमें क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? देखो S10 निकाला, S10 भी चाहिए S9 भी चाहिए, S10 निकाला तो क्या किया, इसमें इक्वेशन में 10 पुट कर दिया, इक्वेशन में 10 पुट किया तो कितना आ गया -60। A10 निकालने के लिए S10 माइनस A9 करना पड़ेगा, सॉरी S10 माइनस S9 करना पड़ेगा, S9 इक्वेशन में 9 पुट करो S9 आ जाएगा, दोनों को माइनस करो A10 आ गया। अब क्या निकालना है, एंड द nth टर्म, nth टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है nth टर्म में, क्योंकि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, d भी तो चाहिए, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस तो टर्म्स को ही माइनस करते हैं, a2 माइनस a1 दोनों को माइनस किया कितना आ गया -2। nth के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर ली, a की वैल्यू पुट कर ली, d की वैल्यू पुट कर ली, तो कितना आ जाएगा 5 -2n। an निकालना था तो n में ही आंसर आ गया, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन लग रही है इस क्वेश्चन में तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्या निकालना है, सम निकालना है, किसका निकालना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स, जो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 जितने भी नंबर्स होते हैं, और वो ही नंबर नेगेटिव में भी होते हैं, -1, -2, -3, -4, और बीच में जो जीरो भी इंक्लूड होती है, इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। जो भी हम नंबर लाइन पे नंबर्स ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी इंक्लूडिंग जीरो, वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। लेकिन इसने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब नेगेटिव तो हमें लेने ही नहीं है, हमें सिर्फ कौन से नंबर्स लेने हैं, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। लेकिन कैसे, जो किससे डिवाइड हो, 6 से, किससे डिवाइड हो, 6 से, डायरेक्ट लिख दो यार, 6 का टेबल लिख दो, 6, 12, 18 अप टू कहां तक, 240 तक। आपको कैसे पता लगा 240 तक लिखने हैं, कैसे पता लगा, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं ना, एक तो 6 हो गया, सेकंड वाला 12 हो गया, थर्ड वाला 18 हो गया, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, देखो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, तो 6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 240। ऐसे तो करेंगे, अब सारी वैल्यूज तो लिखेंगे नहीं, हम इतने सारे नंबर्स, 40 नंबर्स तो हम लिखेंगे नहीं, तो ये क्या बन गई हमारी एपी। हमने क्या मान लिया, लेट दिस बी डिविजिबल बाय 6। अगर एपी बन गई तो इसमें ए कितना हो गया 6, कॉमन डिफरेंस निकाला वो भी कितना हो गया 6, एन की एन का फॉर्मूला पुट किया, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन लास्ट टर्म कौन सी है 40, ए 40 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 6 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू 40, एन की वैल्यू 40 क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 40, 40 माइनस 1 इंटू 6, इसको सॉल्व किया तो क्या आया 40 इज इक्वल टू 40, इट मींस क्या आया ए एन की वैल्यू। अगर आपको यहां 40 नहीं लिखना, इसका मतलब ये हुआ ए एन की वैल्यू या तो यहां से 240 आ जाएगी इसको सॉल्व कर करके। अगर हमने ए एन की वैल्यू 240 मान के चले, इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमने ठीक माना है, ए एन की वैल्यू को हमने ठीक माना है। कैसे ठीक माना, हम यहाँ लेट करके चले थे, हम यहाँ लेट करके चले थे कि ये एपी बन रही है और लास्ट टर्म ए एन 240 आएगा, तो हमने ए एन के फॉर्मूले में पुट करके दिखा दिया कि ये वैल्यूज क्या है, सही है। अगर आपको ए एन नहीं माना तो यहां से क्या पता लग जाएगा, ए एन की वैल्यू कितनी है 240, what's the value of an, that is 240। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या निकालना था हमें, sn, sn कितना, s 40 निकालना था, सम निकालना था ना 40 टर्म्स का, क्या हो जाएगा sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, इसमें सारी वैल्यूज पुट की तो क्या आ जाएगा 4920, या आप क्या पुट कर सकते हैं n बाय 2 a प्लस l वाला फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है
240. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स पूछे हुए हैं, यानी कि 8 का टेबल लिख दो. कितने पूछे हुए हैं? 15 मल्टीपल्स, 15 मल्टीपल्स. देखो 8, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, ऐसे चलते जाएंगे. तो क्या हो जाएगा, ए सम निकालना, सम पूछा हुआ ना, फाइंड दिस सम, तो डायरेक्ट क्या करो, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एसएन, एसएन का फॉर्मूला एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 15. सम पूछा हुआ 15 टर्म्स का, एन की वैल्यू 15 पुट करो, बाकी आपके पास सारी वैल्यू है, एन की वैल्यू 15 रख देंगे, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 8 और आंसर आ जाएगा. सिंपल सा लॉजिक. ये लॉजिक हम उस मेथड में पिछले क्वेश्चन में भी लगा सकते थे. इज इट क्लियर? या फिर हम क्या कर सकते थे, फर्स्ट 15 टर्म्स इसको 15 लिख लो, या इसकी लास्ट की वैल्यू निकाल लो और डायरेक्ट n बाय टू ए प्लस एल निकाल लो. ठीक है, 15 एट्स जो भी आएगा वो यहां आ जाएगा. और एस एन का फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, एन बाय टू ए प्लस एल. अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो, हमने लास्ट टर्म फाइंड आउट इतनी सिरदर्दी ली नहीं, थोड़ी सी टर्म्स लिखी, एस एन का थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला लगा लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15. कौन से होते हैं ओड नंबर्स, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 के टेबल पर नहीं आते. क्या निकालना है इनका, सम निकालना है ओड नंबर्स का, जो किस किस के बीच में आते हैं, 0 और 50 के बीच में. ओड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 up to so on. तो लास्ट जो 50 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 50 तो इवन नंबर है. 50 is an even number because 50 is divisible by 2. तो सिर्फ पहले वाला नंबर क्या है, 49. 49 क्या है, odd number. 49 is an odd number. देखो इसमें से A पता लग गया, D पता लग गया, AN पता लग गया. ठीक है ना, तो इसमें से क्या आ जाएगा, nth वाला फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू आ जाएगी. nth वाला फॉर्मूला लगा के इसमें से क्या आएगा, n की वैल्यू. निकालना क्या है, सम. सम निकालना, तो sn का फॉर्मूला लगा देंगे, sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. sn कितनी टर्म्स हो गई, देखो टोटल कितनी टर्म्स थी, 50 टर्म्स थी, 50 टर्म्स थी ना, तो लेकिन क्या लेनी है, ओड टर्म्स. तो कितनी हो जाएंगी, हाफ इवन हाफ ओड, क्योंकि जो हमारे पास एक छोड़ के एक नंबर आ रहा है, एक ओड आ रहा है, एक इवन आ रहा है, तो 25 इवन होंगे और 25 ओड होंगे ना. तो n की वैल्यू इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि n की वैल्यू कितनी होगी, 25, कि 25 टर्म्स का ही सम निकालना है जो जो ओड है. एस 25, एन की वैल्यू 25 पुट करेंगे, ए की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू 25 और डी की वैल्यू पता है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 625. अब की एक्सरसाइज यही खत्म होती है, क्योंकि इसके लास्ट के जो भी 15 टू 20 क्वेश्चंस है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं, तो वो क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको इस चैनल पर सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके एग्जाम्स में आने हैं, और कंप्लीट हर एक चैप्टर की वीडियो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, और इसके जो भी नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना. थैंक यू.